हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। मैं MC35 म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एंटरटेनमेंट के रिलेटेड एक स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी की डिटेल देख लेते हैं। 7,800 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी, 1675 रुपए इसका करंट प्राइस है। 42 के PE पे ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.86 का है। शेयर कैपिटल 47 करोड़ का, फेस वैल्यू इसकी 10 है। प्रमोटर 20% हिस्सा रखते हैं और FII और DII 70% हिस्सा रखते हैं। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की होल्डिंग तकरीबन 40% है, जो दर्शाता है कि बाहर के निवेशकों को इस कंपनी पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये कंपनी अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है और आने वाले 5 साल में यहाँ से बहुत ही बड़ा रिटर्न जनरेट करके ये कंपनी आपको दे सकती है। आगे बढ़े, स्टॉक की डिटेल देखें। उससे पहले अनुरोध रहेगा आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंपनी पहुंचा सके। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज की जो मेरी कंपनी है वो मूवीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले 2019 में जो जो नई मूवीज रिलीज होने वाली है उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली कबीर सिंह और आर्टिकल 15 बॉक्स ऑफिस पे लगी हुई मूवियां हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। उसके बाद नए आने वाले हफ्ते में जो नई मूवीज आएगी उसमें स्पाइडरमैन ये मूवीज आएगी, मार्वल स्टूडियो की ये मूवीज है और हम जानते हैं इनकी मूवियां बहुत ही अच्छा बिजनेस करती है भारत के मार्केट में। 4 जुलाई को ये मूवी रिलीज होगी। उसके बाद एक बहुत ही अवेटेड मूवी सुपर 30 ऋतिक रोशन की ये मूवी है, 12 जुलाई को आएगी और ये भी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती है। अर्जुन पटियाला ये मूवी 19 जुलाई को आएगी, द लायन किंग, उसके बाद मिशन मंगल, ब्रह्मास्त्र, साहो, बटला हाउस, ये सारी मूवी 15 अगस्त को आएगी। तो 15 अगस्त को बहुत सारी मूवीज रिलीज होने वाली है। फास्ट एंड फ्यूरियस ये मूवी 2 अगस्त को आएगी, उसके बाद एंग्री बर्ड 2 23 अगस्त को, हाउसफुल 4, हाउसफुल की तीनों पिछली मूवियों ने भी बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। डेफिनेटली मूवी अच्छी ना हो या अच्छी हो उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, पर मूवी बिजनेस अच्छा करती है बॉक्स ऑफिस पे, यही स्टॉक के लिए काफी है। तो हाउसफुल 4 25 अक्टूबर को आएगी और आखिर में पॉसिबली दबंग 3 आ सकती है ईयर एंड में दिसंबर के अराउंड। तो ये कुछ मूवी आएगी, ये सारी की सारी मूवी 100 करोड़ का बिजनेस करने का पोटेंशियल रखती है। और अगर ये मूवी अच्छा बिजनेस करती है तो हमारा जो स्टॉक है आज का उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिस स्टॉक के बारे में आज के हम वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है PVR। आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा अगर आप मूवीज के शौकीन हैं, मल्टीप्लेक्स में आप मूवी देखते हैं। तो PVR और आईनोक्स ये दोनों ही कंपनियां हैं जो मल्टीप्लेक्स चलाती है भारत की, दोनों मार्केट में मल्टीप्लेक्स मार्केट में दोनों ही ज्यादातर शेयर रखती है। आईनोक्स पे हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो आप देख लीजिए। आईनोक्स भी बहुत ही अच्छी कंपनी है और उसके बाद PVR मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। सबसे ज्यादा स्क्रीन करंटली मल्टीप्लेक्स सेगमेंट में PVR के पास है। 1997 में कंपनी का गठन हुआ था तो 20 साल से ज्यादा के समय से PVR भारत के मल्टीप्लेक्स मार्केट में अपना बिजनेस कर रही है और मार्केट लीडर बनी हुई है। 785 स्क्रीन इनके पास है 67 सिटीज में। तो डाइवर्सिफाई इनका लोकेशन, हर जगह इनकी बड़ी स्क्रीन है और कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी स्क्रीन बढ़ाती जा रही है, जिसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी ही देर में। विश्व भर में सबसे 10 जो बड़े मल्टीप्लेक्स प्लेयर आते हैं उसमें भी PVR का नाम आता है। भारत के बॉलीवुड मार्केट का 22% शेयर इनके पास है और 29% का हॉलीवुड मार्केट का शेयर है। इसके बाद जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है टोटली जो मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री से, उसमें से 33% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का शेयर PVR के पास है। तो क्योंकि मार्केट लीडर है तो एडवर्टाइजर भी इनको ज्यादा प्रिफर करते हैं और ये भी एक अच्छा मार्जिन कमांड कर सकते हैं मार्केट लीडर होने के कारण एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में भी। भारत के सबसे बड़े जो 20 मॉल है उसमें से उनमें ज्यादातर मॉल्स में PVR के स्क्रीन है। 60% से भी ज्यादा के मॉल में PVR प्रेजेंस है। तो एक अच्छा खासा प्राइम लोकेशन पे इनके स्क्रीन है जो इनको एक एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है।
तो जैसे हमने बताया, कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी स्क्रीन बढ़ाती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, FY12 में इनके पास 166 स्क्रीन थी, जो करंटली, जैसे हमने बताया, रिसेंट डेटा के हिसाब से 785 स्क्रीन बन चुकी है इनकी। कंपनी नए एक्वाइजेशन भी कर रही है। रिसेंटली इन्होंने SPI सिनेमा को अक्वायर किया, तकरीबन 72 स्क्रीन। साथ साथ खुद की स्क्रीन भी कंपनी बढ़ा रही है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही कंपनी ने हैदराबाद में एक नया मल्टीप्लेक्स ओपन किया। 25% के CAGR से ये अपने स्क्रीन को ग्रो करती जा रही है, और आने वाले समय में भी कंपनी अपने स्क्रीन को ग्रेजुअली इंक्रीज करती रहेगी। भारत 120 करोड़ की पॉपुलेशन का मार्केट है, और सिनेमा सेगमेंट भारत में कई सालों से अच्छा बिजनेस कर रहा है, और आने वाले समय में भी PVR के पास एक बहुत ही बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, जिसको ये अपने स्क्रीन बढ़ा के नए सिटीज में अपने स्क्रीन लेके जाके इसको अच्छा खासा तक ग्रोथ को ड्राइव कर पाएगी। कंपनी डिफरेंट डिफरेंट जो रेवेन्यू कमाती है, इनका बिजनेस रेवेन्यू आता है डिस्ट्रीब्यूशन से मूवी के, उसके बाद एक मेजर पोर्शन ऑफ इनका रेवेन्यू आता है इनके जो फूड एंड बेवरेजेस का जो बिजनेस है। मूवीज में आप जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, तो फूड एंड बेवरेजेस पे भी खर्चा होता है, और वहां पे इनका बहुत ज्यादा मार्जिन मिलता है इनको। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने जो इनका फूड एंड बेवरेजेस का सेल्स से तकरीबन 12% से ग्रो किया है पिछले 3 साल में। और पिछले FY19 से FY18 में अगर कंपेयर करें तो 34% से यहाँ पे ग्रोथ आया है। और स्पेंड पर हेड अगर काउंट करें तो FY16 में तकरीबन 72 रुपये हुआ करता था, जो बढ़ के करंटली 91 रुपीज स्पेंड पर हेड हो गया है फूड और बेवरेजेस के सेगमेंट में कंपनी के लिए। उसके बाद रेवेन्यू इनको मिलता है एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट से। जब भी आप सिनेमा में जाते हैं तो मूवी चालू होने से पहले आपने देखी होगी बहुत सारी एडवर्टाइज आती है, और वहां पे इनको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से इनका रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन 18% से एडवर्टाइजमेंट इनकम इनकी बढ़ी हुई है पिछले 3 सालों में। और अगर हम पिछले 1 साल का कंपैरिजन करें तो 18% यहाँ पे भी ग्रोथ आई है वाई वाई बेसिस पे। तो एडवर्टाइजमेंट में भी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर पा रही है। मार्केट लीडर होने के कारण इनको एडवर्टाइज भी ज्यादा मिलती है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है PVR के पास? तो जैसे हमने बताया, कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस पे स्क्रीन का इंक्रीमेंट कर रही है। इस साल में तकरीबन 120 स्क्रीन ऐड कई, और अभी आने वाले जो वित्त वर्ष है उसमें भी कंपनी का प्लान है 80 से 100 स्क्रीन को नई ऐड करना अपने किटी में। उसके बाद GST कट आया रिसेंटली जनवरी में सिनेमा के लिए, जो 100 रुपये से कम के मूवी टिकट है उस पर 18% GST था, जिसको घटा के 12% कर दिया गया। और जो 100 रुपये से ज्यादा की मूवी टिकट हुआ करती थी उसका GST कट 28% से घट के 18% हो गया। डेफिनेटली ये GST कट का बेनिफिट डायरेक्टली कस्टमर को मिलने वाला है, बट इससे फुटफॉल बढ़ जाता है इनके मल्टीप्लेक्स में। साथ साथ इंडस्ट्री में मल्टीप्लेक्स सेगमेंट में हमारे भारत के मार्केट में बहुत ही कम प्लेयर हैं। एक PVR है और दूसरा आईनॉक्स है। ये दोनों प्लेयर ही इस सेगमेंट को ड्राइव कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी यही दोनों प्लेयर रहेंगे। तो बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इनके दोनों के पास है, आईनॉक्स और PVR। इन दोनों में से आप एक स्टॉक या दोनों स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं। आईनॉक्स पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं। आप वो वीडियो देखिए, PVR का वीडियो, और ये दोनों को कंपेयर कीजिए। आपको जो अच्छा लगे उस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। इंडिया, भारत जो हमारा देश है, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड, भारत का देश में बहुत सारी मूवीज रिलीज होती है। रीजनल बेसिस पे मूवीज बहुत सी रिलीज होती है। बॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज रिलीज होती है, और टॉलीवुड में भी बहुत बड़ा मार्केट है। तकरीबन विश्व भर में सबसे बड़ा मूवीज का मार्केट भारत का है। 2000 से भी ज्यादा मूवीज FY18 में रिलीज हुई थी, और इस वर्ष भी तकरीबन 2000 से ज्यादा मूवीज रिलीज होगी। तो मूवीज बहुत सारी रिलीज होती है, और कुछ मूवी अभी बहुत बड़ा बिजनेस भी करती है भारत के मार्केट में। 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली मूवीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रिसेंटली कबीर सिंह ने 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, भारत ने भी 100 करोड़ का बिजनेस किया। तो दो मूवी हमने पिछले 1 मंथ में ही देख ली जिन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस किया भारत के मार्केट में। और जैसे हमने लिस्ट लिखाई थी पूरी की पूरी तकरीबन 10 से 12 मूवीज की, वो सारी की सारी मूवीज भी पोटेंशियल रखती है कि 100 करोड़ या उससे अधिक का बिजनेस कर ले इस मार्केट में। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत के मार्केट में इस सेगमेंट में, और उसमें दोनों ही प्लेयर्स जो हमने बात की, PVR
और आइनॉक्स दोनों ही बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। कंजम्पशन सेक्टर में जो ग्रोथ आएगी उसमें एंटरटेनमेंट का भी बहुत ही अच्छा खासा हिस्सा रहेगा, और उसमें मूवीज रिलेटेड ये दोनों प्लेयर हैं, और इसमें आप निवेश करके एक बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। करेंटली 1675 का प्राइस चल रहा है, स्टॉक के लिए 1600 का लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट होकर 1600 पे आपको मिले, रिसेंटली 1600 पे आया ही था, फिर से आ सकता है करेक्शन पे। कभी भी आपको ये स्टॉक 1600 पे मिले तो इसको ऐड कीजिए, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो तो और ऐड कीजिए। इसको अगर आप होल्ड करते हैं आने वाले 5 साल के लिए, तो ये स्टॉक आपको यहाँ से 100 से 300% का रिटर्न देके जा सकता है आने वाले 5 सालों में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और अगर आप डायरेक्टली पीवीआर में निवेश न करना चाहे तो हमारे कंजम्पशन म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, उसके पोर्टफोलियो में पीवीआर भी है। उसमें निवेश करके आप भारत की जो 120 करोड़ की कंजम्पशन स्टोरी है उसमें आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं विथ मिनिमम रिस्क। तो अगर आप हमारे साथ निवेश करना चाहें तो इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक एक बहुत ही अच्छी कंपनी पहुंचा सके। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।